कक्षा प्लस टू आर्ट्स विषय हिंदी साहित्य तीसरा पाठ है रहीम। रहीम जी के दोहे नंबर 6 की व्याख्या। कवि रहीम जी कहते हैं कि खैरियत अर्थात कुशलता का होना, किसी की हत्या करना, खांसी की बीमारी होना, मन में किसी कारण प्रसन्नता होना, किसी के प्रति शत्रुता होना अथवा प्रेम होना, शराब पीना या नशा करना आदि बातें ऐसी हैं कि मनुष्य के द्वारा छिपाने के प्रयत्न करने पर भी छिपती नहीं है और स्वयं ही पूरे संसार को उनका पता चल जाता है। मनुष्य को उनके बारे में पता चल जाता है। मनुष्य चाहे कितने भी प्रयास क्यों न करे, फिर भी उनको छिपा नहीं पाता तथा पूरे संसार को उसका पता चल जाता है। विशेष पहला पॉइंट कुशलता, हत्या, खांसी, प्रसन्नता तथा मद्यपान आदि बातें छिपाने पर भी प्रकट हो जाती हैं। कवि रहीम ने मानवीय स्वभाव का वर्णन अपने अनुभव के आधार पर किया है। दूसरा है अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। चौथा पॉइंट है कवि ने तुकबंदी भी की है। सातवां दोहा है रहीम जी का, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत कुजंग। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक सरयू में संकलित कवि रहीम जी द्वारा रचित दोहे से अवतरित है। इस दोहे में रहीम जी ने बताया है कि श्रेष्ठ प्रकृति के लोगों पर बुरे लोगों का के साथ का प्रभाव नहीं पड़ता। अपनी प्रकृति के कारण भी सदैव अप्रभावित ही रहते हैं। व्याख्या, रहीम जी कहते हैं कि यदि मनुष्य का स्वभाव श्रेष्ठ और उत्तम है तो बुरे लोगों के साथ रहने पर भी उनकी बुराई का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्षों से सर्प लिपटे रहते हैं तथा वे सर्प अपने विष से हानि नहीं पहुंचाते हैं, उनकी शीतलता नष्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार दुष्टों की संगति सज्जनों को प्रभावित नहीं कर पाती। विशेष
मनुष्य का स्वभाव यदि श्रेष्ठ है तो उस पर बुरे लोगों का प्रभाव नहीं पड़ता। कवि बताना चाहता है कि कमजोर चरित्र के व्यक्ति ही दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। दूसरा दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तीसरा दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, चौथा ब्रजभाषा प्रयुक्त हुई है, आठवां रहीम जी का दोहा है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हुए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सरयू में संकलित कवि रहीम द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में रहीम जी ने कुपुत्र के आचरण व व्यवहार पर व्यवहार को परिवार के लिए अहितकारी बताया है। व्याख्या, कवि रहीम जी कहते हैं कि परिवार में जन्म लेने वाले कुपुत्र को की कार्य व्यवहार पद्धति दीपक के समान होती है। दीपक जलाया जाता है तो उसका प्रकाश चारों ओर फैलकर सभी वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है तथा उसके बुझने पर सभी जगह अंधेरा छा जाता है। इसी प्रकार जब किसी परिवार में कोई पुत्र जन्म लेता है तो लोग पुत्र जन्म की खुशियां मनाते हैं और सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण फैल जाता है। उसके बड़े होने पर उसके बुरे कार्यों के कारण परिवार के लोग अपमानित तथा प्रताड़ित होते हैं तथा उनकी समाज में बेइज्जती होती है और पुत्र जन्म की खुशियां नष्ट हो जाती हैं। विशेष, इस दोहे में कुपुत्र के आचरण का वर्णन किया गया है जिसके कारण परिवार को दूसरों के सामने लज्जित होना पड़ता है। दूसरा, कवि ने कुपुत्र की तुलना दीपक के जलने तथा बुझने से की है। तीसरा, बारे उजियारों तथा बड़े अंधेरों में श्लेष अलंकार है। उपमा अनुप्रास अलंकार भी प्रयुक्त हुई है। चौथा है, दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। पांचवा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। छठा है दोहा, नौवा दोहा, रहीमन ओछे नरन सो बैर भलोना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक सरयू में संकलित कवि रहीम के दोहों से अवतरित है। इस दोहे में नीच प्रकृति के मनुष्यों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। कवि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को नीच स्वभाव के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने में सावधानी से काम लेना चाहिए। उनके साथ न तो प्रेम ही करना चाहिए और न उनसे वैर ही रखना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में वे सदैव दूसरों का अहित ही किया करते हैं। उदाहरण दिया है, कुत्ता जब एक मनुष्य से दुश्मनी रखता है तो वह काट लेता है और जब वह प्रेम करता है तो मानव के शरीर को चाटने लगता है। उसका काटना व चाटना मनुष्य के लिए घातक है।